यूनिवर्सिटी इज वेरी कंजर्वेटिव मतलब कि बहुत एस्थेटिक वाइब्स हैं और पढ़ाई के लिहाज यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई लव द यूनिवर्सिटी अच्छी लगी नया एक्सपीरियंस होपफुली इंशाल्लाह ऐसा होगा पूरे बारी हिजाब में है ज़माना तारी 2012 को जारी करता फेरिस के मुताबिक पहले नंबर पर है हर साल 45,000 से ज़ायद तलबा पाकिस्तान के कोने कोने से इसका हिस्सा बनते हैं जहां इन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाती हैं जिनमें हॉस्टल लेकिन इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और जो अभी भी जो शनाख्त के तौर पे जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग इस्तेमाल की जाती है वो आपका ये ओल्ड कैंपस है जो आपको बहुत जगहों पे पंजाब यूनिवर्सिटी इन टीचर से हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला हमेशा यही प्रैक्टिस रहती है हम लोगों की कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते फर्स्ट हाफ में या हम लोग बहुत ज्यादा बाजू का देखिए हमारा माशरे का सेटअप कुछ इस तरह से है कि हम लोग एम कैट को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं तो यही एक हौसला देने के लिए आपको लर्निंग प्रोसेस से जुड़ाने के लिए ये एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि आप इस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करें अगर सपनी आ गए तो परेशान नहीं होना सप्लीमेंट्री जानी होती है तो इसकी किसी परेशान की जरूरत नहीं दोबारा The university is very conservative and it's a beautiful architecture and keep dekhenge jaise jaise time spend karenge pharmacy iska scope zyada bahir hai theek hai to yahan pe agar kisi bande ke paas paisa zyada hai to wo clinic apni chain pharmacy start kare to wo uske liye kafi acha hai lekin agar kisi ne clinical pharmacy wali side pe jana hai to wo phir bahir prefer kare आई एम वेरी प्राउड बिकॉज यहाँ पे एडमिशन मिलना कोई आसान बात नहीं है बड़ी मुश्किल से मिलता है इनफैक्ट एम कैट के टकराए हुए टॉपर्स यहाँ पर आते हैं और आई मीन सेफ हैंड्स बिकॉज आई मीन पंजाबी द व्यूज अबाउट द यूनिवर्सिटी आर वेरी गुड मेरे जो बड़े बहन भाई हैं जो वो सभी यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ही मेरा एक डिसीजन था कि मैंने यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डी फार्म को यानी कि प्रस्तुत किया तो इंशाल्लाह अच्छा है कि आगे भी मैं यानी कि पाउंडी में अच्छा करूँगा यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी अच्छा है बाकी सीनियर्स जो हैं वो भी अच्छे हैं बाकी देखते हैं कि जर्नी कैसी रहती है बहुत एस्थेटिक वाइब्स हैं और पढ़ाई के लिहाज यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी है टीचर्स भी बहुत हेल्पिंग है और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी है नो डाउट प्रोफेशनल ये काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है काफ़ी कम स्टूडेंट कर पाए और आवर प्रोफेशनल डिग्री है और आई वांट टू बी अ फार्मासिस्ट इंशाल्लाह
मैंने तो फार्मासिस्ट परस्यू करना है और ये कि जी फर्दर एजुकेशन में एमफिल और पीएचडी के फ्यूचर प्लान्स फिलहाल तो ये हैं कि डिग्री यानी कि कंप्लीट करनी है, उसके बाद फॉर्म डी करके थोड़ा सा ये है कि जॉब्स की तरफ तो नहीं है, बिजनेस में है कि अगर बिजनेस में अगर कोई अच्छा यानी कि कोई फील्ड मिलती है तो उस तरफ जाना है। मैं फ्यूचर प्लान यही कि मेरे पापा का बिजनेस है तो उसी में इन्वेस्टमेंट करके मैं उसी को आगे लेके जाऊँगा। फार्मासिस्ट, अ गुड फार्मासिस्ट। अच्छा, हमको सिखा रही है। A good pharmacist. Want to be an lecturer. मिनाहिल फजल। मेरी expectations तो बहुत अच्छी हैं, let's see, देखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी फील्ड है और मैं इसके लिए इंकरेज करूँगी सब बच्चों को भी। और ये मतलब कि इससे आपको ये है कि आपको अपना फील्ड में स्कोप खुद बनाना होता है, तो ये इसमें नहीं है कि आप क्या करें और आप मतलब पहले आप इंजॉय करें और अपनी हर चीज़ को स्मूथली लेकर चलें। और कोई इतना ये नहीं है कि इस पर कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें आपको आकर पता चलता है और आपने अपना स्कोप खुद डिवेल्प करना अच्छी है। यूनिवर्सिटी अभी मैंने फुली विजिट नहीं की, बट यूनिवर्सिटी और इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ का, मतलब के मैनेजमेंट इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और सीनियर्स से इतना मेरी इंट्रैक्शन नहीं हुई है, लेकिन सीनियर्स आप बहुत अच्छी हैं, आपसे पहली दफ़ा अच्छी लगी है। मैंने आज पहली क्लास अटेंड किया पीयू में और डिपार्टमेंट अपना विजिट नहीं किया अभी कम्प्लीटली, लेकिन हमने अभी ओरिएंटेशन ली है, काफ़ी प्रोफेसर वगैरह कोऑपरेटिव है और उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया है इस डिग्री के लिए। आल्सो अच्छा लगा है सब्जेक्ट, इंट्रो वगैरह काफ़ी अच्छा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी फार्म डी पे कायम रहूँगी और एमकैट देख के एमबीबीएस वगैरह किसी और डिग्री के लिए नहीं जाऊँगी। इट्स सो अमेजिंग, दी फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सो कोऑपरेटिव एंड आई लव द यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट इज सो अमेजिंग। अच्छी लगी नया एक्सपीरियंस, होपफुली इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत अच्छा है, वाइब्रेंट है, डिफरेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सदीक अब्बास। और इंट्रोडक्शन? मैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से, ठीक। तो यहाँ पे हॉस्टलाइट या नॉन हॉस्टलाइट क्या? डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर है आपने। एफएस वगैरह कहाँ से किया आपने? एफएस डेरा गाजी खान से, किप से। ठीक है, डेरा गाजी खान। ओके, और फिर एमडी कैट वगैरह? एमडी कैट भी वहीं से किया था, लेकिन थोड़ा सा मायूसी। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। इसलिए थोड़ा मूव ऑन करने के लिए फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। तो ये आपकी सेकंड चॉइस थी? हाँ, सेकंड चॉइस थी, फर्स्ट तो प्रायोरिटी दी थी एमबीबीएस को। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वहीं पे गुजरे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस को ही। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी के बारे में, जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुए आप, फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा था? दिखने में तो बहुत अच्छी थी बाहर से, बिल्डिंग वगैरह कैसी आपको लगी थी? फिर अंदर आए तो पहला दिन तो खैर अनजान ही होता है हर कोई। अच्छा, लेकिन कोई समझ नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तभी आपको ओरिएंटेशन हुई आपकी। तो ओरिएंटेशन में आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सीखा, जरा वो बताएं। कुछ मिला फैकल्टी के बारे में और जो उन्होंने हासिल किया उनके बारे में, अचीवमेंट जो उनकी थी उनके बारे में, मोटिवेशन होते हम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी आपने जो फैकल्टी ओरिएंटेशन में जितनी भी अरेंजमेंट्स वगैरह थी उनके बारे में उनका क्या ख्याल है? बहुत अच्छी थी अरेंजमेंट, तो बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, मैंने शुरू में तो बड़ा डिसहार्ट आया यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि पता नहीं, मैं वैसे फेलियर कंसीडर कर रहा था आके, अभी मैंने तो इसे ओरिएंटेशन ली तो फिर मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिला। वो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मुझे वो लगी, तो कुछ ऐसा स्टाफ भी है जो एमबीबीएस में सीट होने के बावजूद भी यहाँ आया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो उनका जो स्टाफ है, फैकल्टी है, कमाल की है, ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंट वगैरह भी बड़ा पसंद आया मुझे, और सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, सीनियर्स वगैरह, ये भी बड़े कोऑपरेट वगैरह कर रहे हैं, जिस तरह हमने सोचा था, जिस तरह की इमेज हमने क्रिएट की थी उससे तो बहुत अच्छी देखने को मिली है। ओके ओके ओके, मतलब आप फिलहाल सेटिस्फाइड है अभी तक? प्लीज देख लें एक दफा। मैं तो फिलहाल सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ये बिल्कुल कमाल के लगे हैं प्रिंसिपल और जो डीन हैं और जो हमारे मेंटोर हैं, ओके, वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। ठीक 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 है। और उसके अलावा सीनियर से इंटरेक्शन वगैरह जिनसे भी हुई है ना, काफी कुछ उन्होंने गाइडेंस वगैरह दी है, ओके ओके ओके, आगे से नोट्स हो गए, ये वो
ठीक है। नोट्स की आप बिल्कुल परेशानी नहीं लेंगे, ठीक है ना। सीनियर यहाँ पे काफी कोऑपरेटिव है, आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि सबसे पहले आपने सीनियर्स के आपने इज्जत वगैरह सारे करनी है, काम शाम करने हैं, लेकिन अब नोट्स आपको कोई मसला नहीं होगा। बाकी सबसे पहले ये बताया आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था जब आप बिल्डिंग में आए थे? बिल्डिंग वगैरह तो बड़ी थी, जिसको कहते हैं हिस्टोरिक जो चीजें होती है। जी 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 बिल्कुल, मतलब देखते साथ बंदा कहता है इसकी तो स्नैप बनानी चाहिए। ठीक 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 है। इस तरह का जरा लगा एनवायरनमेंट वगैरह, मतलब एंगेज रहता है इन चीजों के अंदर। आपको ये ओरिएंटेशन कैसी लगी? ओरिएंटेशन भी कमाल की थी, ठीक है। ओके, अरेंजमेंट्स वगैरह इनका वो जो स्पोर्ट्स की साइड है वो भी बड़ी कमाल की लगी, जो इन्होंने पूरी ओरिएंटेशन के अंदर अलग से उसका बैकअप बनाया ना। हाँ जी हाँ जी, वो पहले वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा लगा। चले वाह वाह, तो अरेंजमेंट्स आपको सारी कैसी? अरेंजमेंट कमाल की थी सारी।